नमस्कार किसान मित्रों क्रेश कॉम्रेड चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों हमारे किसान दर्शक की मांग थी कि धान की फसल में खरपटवार नियंत्रण के लिए इफको कंपनी की दवाई के बारे में बताएं इसलिए दोस्तों आज की वीडियो में हम धान की फसल के लिए इफको एमसी की शोकुशाई और योकोजुना के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों इफ्को एमसी की इन दोनों दवाई में से कौन सी दवा का उपयोग खरपटवार उगने से पहले करना है और कौन सी दवा का उपयोग खरपटवार उगने के बाद करना है कितनी मात्रा में करना है कौन सी दवा कौन से खरपटवारों की रोकथाम करती है यह सारी जानकारी आज के वीडियो में मिलने वाली है इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें और वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और यदि आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली के सदस्य बन जाएं ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए दोस्तों सबसे पहले हम इफ्को एम की सुकुसाई के बारे में देखेंगे सुकुसाई का तकनीकी नाम प्रेटीला कोर फिफ्टी परसेंट ईसी है और ये धान में प्रयोग के लिए सुरक्षित और चुनिंदा अंतर्प्रवाही प्रवाही खरपटवार नाशक है जिसका उपयोग खरपटवार उगने से पहले करना है शोकुशाई खरपटवारों के क्लोरोएसिटोसाइड समूह से संबंधित है धान की फसल में घास चौड़ी पट्टी एवं कुछ सेज समूह के उगने से पहले खरपटवारों के नियंत्रण के लिए, लिए लाभकारी है इसके प्रयोग से खरपटवारों के उगने की अवस्था में ही उनके कोशिका विभाजन में अवरोध पैदा करके खरपटवार की बढ़वार को रोक देता है सोकुशाई का प्रयोग हर एक प्रकार के वातावरण में धान के सभी किस्मों के लिए किया जा सकता है किसान मित्रों शोकुशाई का उपयोग धान की फसल में शुरुआती अवस्था में रोपित धान की फसल में रोपाई के पांच दिन के अंदर ही कर लेना चाहिए बेहतर परिणाम के लिए छिड़काव करने के लिए दो से तीन दिन तक खेत में पानी रोककर रखना आवश्यक होता है शोकुशाई के उपयोग से खेत में खटपटवार नियंत्रण लंबे समय तक बना रहता है इफको एमसी की शोकुशाई के उपयोग से रोपे हुए धान में सावा घास जंगली धान मोरफूला यानी धान का मोथा छतरी वाला मोथा यानी डीला सफेद फूल वाली बुत्ती यानी बंगरा, पीले फूल वाली बुत्ती पान पत्ता बंसी इत्यादि के रोकथाम के लिए किया जाता है शोकुशाई के उपयोग की, की विधि और मात्रा के बारे में देखें तो रोपित धन में पांच दिन के भीतर स्प्रे करने के लिए प्रति एकड़ 400 से 600 छह सौ सो एम शोकुशाई को 200 से 280 लीटर पानी में मिलाकर फ्लडजेट या फैन नोजर का उपयोग करके स्प्रे करें अब हम शोकुशाई की पैकिंग साइज और कीमत देख लेते हैं शोकुशाई हर्बिसाइड पांच सौ एम एक लीटर और पांच लीटर की बोतल में उपलब्ध है पाँच सौ एम की कीमत है दो सौ पचास रुपये एक लीटर की कीमत है चार सौ अस्सी रुपये और पांच लीटर की कीमत है दो हजार तीन सौ पच्चीस रुपये दोस्तों अब हम इफको एम सी की योकोजुना के बारे में देखेंगे जिसका तकनीकी नाम बिस्पायरीबेम टेन परसेंट एस है ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टेमेटिक हर्बिसाइड है जो प्रमुख घासों सेज और ब्रॉडलेस विंडो को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करता है जिसका उपयोग खरपटवार उमुखवारों का यूकोजुना अन्य खरपटवार से बेहतर है इसे खरपटवार की दो से पांच पट्टी की अवस्था तक इस्तेमाल किया जा सकता है योकोजुना सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले खरपटवार जैसे सावा घास जंगली धान मोथा भूमराज जैसे खरपटवारों के लिए बहुत ही उपयोगी खरपटवार नाशक है योकोजोना जल्दी से खरपटवार के पट्टे पर अवशोषित हो जाता है लगभग सात से बारह दिनों में खरपटवार खत्म हो जाते हैं अब हम योकोजोना की उपयोग की विधि और मात्रा के बारे में देखेंगे 80 से 100 एम एल योकोजोना को 120 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना चाहिए किसान मित्रों योकोजोना का इस्तेमाल करते वक्त खास ध्यान में रखने वाली बात यह है कि खेतों से पानी को बाहर निकालने के बाद ही इसको लागू किया जाना चाहिए योकोजोना के आवेदन के दो से तीन दिनों के बाद पुनः सिंचाई की जाती है अच्छे रिजल्ट के लिए सात से बारह दिनों तक खेत में पानी बनाए रखें दूसरी खास बात यह है कि योकोजोना का उपयोग केवल एक स्प्रे के रूप में किया जाना चाहिए और खरपटवार के पट्टों पर समान रूप से लागू करना चाहिए इसे रेत या उर्वरक या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलाकर इस्तेमाल नहीं करना है दोस्तों योकोजोना या अन्य कोई भी हर्बिसाइड का स्प्रे हमेशा फ्लडजेट या फैन नोजल का उपयोग करके ही करना चाहिए अब हम इसकी पैकिंग साइज और कीमत देख लेते हैं योकोजोना 100 एम के पैक में उपलब्ध है जिसकी कीमत है पाँच सौ सत्तर रुपये इफ्को एम सी की शोकुशाई और योकोजोना को आप नजदीक की इफको केंद्र या सहकारी समितियों से खरीद सकते हो या फिर डब्ल्यू पर ऑनलाइन ऑर्डर करके बिना कोई अतिरिक्त शुल्क घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हो किशन मित्रों आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और यदि या आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन को ऑल कर दें ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें मिलते हैं नए वीडियो के साथ अपना ख्याल रखें जय हिंद